Hello children, so fit and fine? Great. Let's do today chapter 4 from your Hindi literature book, that is Tare Raat Ka Aanchal Sanware, means the stars make the night beautiful. Let's start the lesson by reading of the introductory lines. Page number 29, पाठ 4, तारे रात का आंचल संवारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। तो आगे है विलियम शेक्सपियर का कथन, हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। इट मीन्स आवर लक इज नॉट देयर इन द स्टार्स बट विद इन आर सेल्स। इसका अभिप्राय क्या है? अपने दृढ़ निश्चय व परिश्रम के बल से हम अपनी किस्मत स्वयं बना सकते हैं। तो अब पाठ प्रारंभ करते हैं। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं, मीन्स डिफरेंट कंपैरिजंस। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। गजरा मीन्स गार्लैंड, फूलों की माला। कवि उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं, जगकर सजकर रजनी बाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। यहाँ रजनी का अर्थ है रात्रि, बाले मीन्स कन्या, गर्ल, गजरे सफ़ेद फूलों के हार अर्थात गार्लैंड। तो कवि यहाँ तारों भरी सुंदर रात में एक सजी धजी सुंदर कन्या की कल्पना करते हुए कहते हैं कि हे रजनी बाले, इस तरह से रात्रि भर जगकर और इस तरह सज धज कर तुम अपने ये गजरे अर्थात तारे कहाँ बेचने के लिए ले जाती हो। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे, भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। पिंड मतलब समथिंग सॉलिड एंड राउंड इन शेप, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाशगंगा मींस गैलेक्सी में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। आकाशगंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। पुंज मींस समूह, ढेर मींस अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। ग्रह मीन्स प्लैनेट्स एंड उपग्रह मीन्स सैटेलाइट्स। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते रह जाएंगे। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें
नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है, मीन्स ब्लास्ट हो जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है, मींस मोर देन 200 करोड़ बिलियंस। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। मंगल मीन्स मार्स, बुध मीन्स मर्क्यूरी प्लैनेट्स के समान हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की ज्वलनशीलता मीन्स फ्लेमेबिलिटी अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, धुरी मीन्स एक्सिस पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए, मीन्स ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वो उसको क्रॉस करती हुई हम तक पहुंचती है, उनकी जो रोशनी है। वायु वेग के कारण, वायु वेग मीन्स विंड स्पीड के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं, अपितु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। धुंधला मीन्स डिम होना। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सौर ऊर्जा मीन्स सोलर एनर्जी और खगोल विज्ञान मीन्स एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।
नेक्स्ट टाइम वी शैल डू इट्स एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. टिल देन गुड बाय.